एक युवक की महज इसलिए पिटाई कर दी गई कि उसने बाइक से एक्सयूवी को ओवरटेक कर दिया था, पिटाई करके उसका मोबाइल छीन लिया, उसको जान से मारने की धमकी दी गई। प्रेम नगर पुलिस ने शिकायतकर्ता की तहरीर पर दबंगियत करने वाले दो लोगों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया। सलाखों के पीछे खड़ा ये युवक अजितेश है। अजितेश ने बीती रात सड़क पर दीपांशु नाम के युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे उसको गंभीर चोट भी आई। अजितेश वही है जो कुछ दिन पहले बिथरी चैनपुर विधायक की पुत्री के साथ घर से भागकर शादी की थी, जिसके बाद अजितेश मीडिया की सुर्खियों में आ गया था। शिकायतकर्ता दीपांशु का कहना है कि वो रात को मेडिकल से दवा लेकर अपने घर जा रहा था, इस बीच धीमी गति से जा रही एक्सयूवी गाड़ी को उसने ओवरटेक किया, तो इतनी में एक्सयूवी पर सवार अजितेश और वैभव गंगवार ने उसको रोककर उसके साथ गाली गलौच की और मारपीट की। अजितेश उस शराब के नशे में था, पिटाई से दीपांशु के गंभीर चोट आई। अजितेश की गुंडई मोबाइल में भी रिकॉर्ड हुई, जिसमें पहले तो अजितेश गाली गलौच करता दिखाई दे रहा था, वही सलाखों के पीछे आने के बाद अजितेश अपने आप को बेकसूर बता रहा है, जबकि उसकी गुंडई की कहानी ये वीडियो साफ बयान कर रहा था। गौरतलब है कि अजितेश की गुंडई का यह कोई पहला मामला नहीं है। विधायक की बेटी से प्रेम विवाह करने के बाद कोर्ट से उसको प्रोटेक्शन भी मिली है। इस पूरी घटना के पीछे वो विधायक का हाथ होना बता रहा है। कहां कहां चोट आई आपके? किस किस बात पर लड़ाई हुई थी आपकी? भैया शराब पीने के बाद कोई कारण नहीं होता लड़ाई करने का। वो उनका घमंड था कि हम गाड़ी से हैं और अगला बाइक से है, तो वो कैसे हमारी गाड़ी के आगे निकल सकता है। मैं इन लोग को कुछ ये जो इन लोग को मिला, चार पांच जो है लोग इन लोग के साथ में भी थे, पता नहीं कौन कौन था। एक खंभा लगा हुआ था, वो सर पकड़ के दो लोगों ने खंभे में भी जो है लगाया, बाकी लाते घूसे सभी चीज़ों से जो भी इनके हत्थे चढ़ी। मेरे मुझे मैं समझ ही नहीं पाया ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं हो रहा कि उन लोगों ने झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिए कि गाली दी है। अब आप ये बताओ, अगर मैंने गाली दी भी होती तो फिर एक गाली गलौज देने से कोई इतना ओवर हो भी सकता है कि कोई ऐसा हाल करे? जी भैया, क्या हुआ था भैया? आप कौन से न्यूज़ चैनल में हैं? महाराज समझ आए, आप पूछिए भैया क्या हुआ था। वो तो आप सुना है ना वहाँ पे क्या हुआ था। अब आप सब, हम तो भाई साहब कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया सब कुछ, सही बताया होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब ने या पुलिस विभाग ने जो भी वीडियोज़ देखी हैं या जो भी CCTV देखे हैं, एक बार फिर से देख लें, उसके बाद डिसीजन लिया जाए। अगर मुझे कोई सुरक्षा मिली हुई है, अगर मेरे साथ कोई चल रहा है, आगे पीछे कोई बाइक करेगा, तो मैं उससे शीशा खोल के पूछ तो सकता हूँ, इतना तो। कितनी सच्चाई है इसमें, ये आरोप जो लगा रहे हैं कितनी सच्चाई है वो तो CCTV फुटेज देख के ही पता चलेगा ना सर। मेरे साथ कम से कम 7-8 महीने हो गए सुरक्षा चल रही है, 7-8 महीने में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करा। अगर आपको चीज़ तो सोचनी चाहिए ना इंस्पेक्टर साहब को, और वो मुझसे कह रहे हैं कि इसके साथ गनर चल रहे हैं तो इसको ज़्यादा गुंडई सवार है। मैंने कहाँ गुंडई कर दी, मैं तो जानना चाहता हूँ। सरकार का प्रेशर है, मुकदमा लिखवाना था मेरे ऊपर, वो लिखना था, वो लिख गया। क्यों? कोई दिक्कत नहीं, अब वो तो ये लोग जाने ना, जो पुलिस जाने, विभाग जाने, सरकार जाने, कौन है इसके पीछे, कौन, ये तो आप जाने, मीडिया जानती, सब जानते इसके पीछे कौन है। इन सबके पीछे, इन सलाखों के पीछे मैं क्यों हूँ, इसके पीछे सब लोग जानते हैं। इन लोगों को मौका चाहिए था कि किसी, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ क्या है। आप नहीं जानते हैं क्या? आप नहीं जानते हैं या कि और मीडिया नहीं जानती है? ये तो सिर्फ एक किसकी साजिश है? क्यों आप नहीं जानते किसकी साजिश? आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। क्यों सुनना चाहते हैं? मैं नहीं बोलना चाहता, मेरे को पीछे पहुंचाना था, मेरे ऊपर इतनी सब पूरी मीडिया लगी रही, पूरा पुलिस विभाग लगा रहा, मुझ पर कोई मुकदमा हो, जब मुझ पर उस टाइम भी कोई मुकदमा नहीं था, और मुझ पर मुकदमा लिखवाना था, वो लिखवा दिया अननेसेसरी। अगर मैंने कोई गलती करी है, उस लड़के को बुलवाई है, वो यहाँ ऐसे नवाबों की तरह बैठा है जैसे वो इन सबका दामाद हो, वो यहाँ आराम से बैठा है, अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, उसको चोट लगी ठीक है, पिटा है, लेकिन वो अपनी तो बात बताई, किसने मारा उसे, तो वो जाने, वो मैं वही तो बता रहा हूँ, CCTV फुटेज देखी जाए। ये घटना कल की है, लगभग 10 बजे की रात की घटना है।
जिसमें जो वादी हैं दीपांशु महेश्वर, उनका कहना है कि वो सिलेक्शन पॉइंट से दवा लेकर अपने घर जा रहे थे बाइक से, और एक आदमी, एक कार थी जिसमें दो लोग सवार थे, वो जा रहे थे, इन्होंने बाइक से आगे चले गए। ये दोनों कार वाले जो हैं उनको रोका और गाड़ी से उतरकर इनके साथ बिना कुछ पूछे गाली गलौज मारपीट करने लगे। इनका सर पकड़कर दीवार से टकराया, जिसके कारण इनके सर में काफ़ी चोटें आई हैं, बांह में, केहनी में, बहुत जगह पर इनकी काफ़ी चोटें आई हैं। इन्होंने थाना प्रेमनगर पे, क्योंकि मामला थाना प्रेमनगर का आता है, उन्होंने तहरीर दी है, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कही है। कौन है सर? इसमें दो लोग नामजद कराए गए हैं, जो दो लोग उस कार में सवार थे, उसमें एक का नाम अजितेश है और दूसरे का नाम वैभव गंगवार है। दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। इनमें IPC की विभिन्न धाराओं, जिसमें 394 मुख्य धारा है, इसके साथ साथ में 188, 269, 270, 504, 506, 411 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तक जो हमने जानकारी हासिल की है, वैभव गंगवार के खिलाफ थाना किला में मुकदमा पंजीकृत है, चार्जशीटेड है, और उसी मुकदमे में ये जेल काट के भी आया हुआ है।